अल्लामा फ़ारूक़ अल-हसन का एक बड़ा मशहूर कलाम है जिसके चंद अशआर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। यूट्यूब की दुनिया में दोस्तों क्या हाल है, मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई हकीम अहमद एजाज अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं इस वक्त खड़ा हूँ मामले कॉलोनी फ्लाई ओवर के बिल्कुल नीचे शटर पे। तमाम तरफ अल्लाह तबारक व तआला के लिए और दुरूद करने वाली सलम के लिए जो खातम नबीजीन का चेहरा पैर कर इसका तशरीफ लाए। आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं अभिषेक जी और आज ये आपको दिखाऊंगा जी कि सड़क की जो डब्बे में कैसी हो रही है, इसकी पटाई पटाई और उसको बड़ा कर रहे हैं, चढ़ाई कैसे कर रहे हैं और साथ में जो फ्लाई ओवर गार्डर बाकी रह गए हैं इंशाल्लाह वो भी इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा इंशाल्लाह। सख्ती के बावजूद भी इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों की मोहब्बत के लिए आप दोस्तों की मोहब्बत है तो इतनी सख्त सर्दी और इतनी सख्ती के बावजूद वीडियो बनाने के लिए मैं आ जाता हूँ इधर। आप दोस्त जो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं इसी तरह आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देते रहें और अच्छे भक्तों से नवाजते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। आप चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ तो चलते हैं जी। जो तो आप एक और अहम बात जो है जो दोस्त चैनल पे नहीं आ रहे हैं उनसे गुजारिश भी होती है कि भाई चैनल को लाइक भी किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। यार ये आप दोस्तों की मदद है जो मैं इतनी मुश्किल और सख्त हालातों में भी वीडियो बना रहा हूँ। चले जी वीडियो स्टार्ट। ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि मशीन के ज़रिए खुदाई की जा रही है, सड़क की पटाई और खुदाई दोनों एक साथ जारी और सारी हैं। ये असल में आगे जाके मामिया कॉलोनी जो फ्लाई ओवर शुरू होना ना शाहदरा की तरफ से इस रोड को ये डबल कर रहे हैं। यहाँ से ये दूसरा रोड भी अपना उखेड़ा जाएगा जैसे ये उखेड़ रहे हैं और ये एक सीधा रोड बिल्कुल कोई इसमें वो कट वगैरह नहीं होगा। ये बरकट ऑन से देख सकते हैं आप, बरकट ऑन है, ये बरकट ऑन से ये शुरू हो रहा है फ्लाई ओवर का जो रोड है ये उखेड़ते जा रहे साथ साथ। अच्छा आपको दिखाने के लिए ये सारा कुछ इतनी मेहनत करनी पड़ती है। आज जो संडे है और यह मुझे रोका नहीं अभी तक इन्होंने तो आगे भी चल के आपको थोड़ा बहुत आज जो फ्लाई ओवर के गार्डर कितने रह गए हैं उस पर भी आज थोड़ी सी बात होगी और उसकी थोड़ी वीडियो भी बनाई जाएगी। लिहाजा इस उम्मीद से आप हमारे साथ हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा और मुकम्मल देखने की कोशिश किया करें और ताकि आपको समझ आए भी काम कहां तक कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको हम इस क्रेन के जो आगे वाले मनाजर हैं वो भी दिखाएंगे कि आगे सड़क की क्या सूरत हाल है और सड़क कितनी तैयार हो चुकी है या वो कैसे कैसे तैयार हो रही है। यहाँ पे दोस्तों से गुजारिश वीडियो को अगली तरफ लेकर चलते हैं जी। ये देख लें ये अगली तरफ है इस क्रेन के और ये दूसरा जो गुजरांवाला से ट्रैफिक शाहदरा की तरफ या लाहौर की तरफ आ रही है वो है, वो सामने जो आप देख रहे हैं ये रैंप और फ्लाई ओवर का स्टार्टिंग पॉइंट है और इस रोड को ऐसे बराबर बराबर में आपस में ये तकसीम अपना तकसीम नहीं मिलाया जाएगा बल्कि ये सीधा करके और इसका सेंटर निकाला जाएगा कि भी गुजरा वाली इस तरफ से जाएंगी शाहदरा वाली सब गाड़ियाँ इस तरफ रहेंगी। मतलब आप उस चीज़ समझते होंगे।
वीडियो बनाना बहुत मुश्किल भाई, एक हाथ से बाइक भी चलानी पड़ती है और साथ साथ वीडियो भी बनानी पड़ती है। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश होती है कि यार आप इसको मुकम्मल वॉच किया करें और इसको देखा करें। कोई काम की चीज़ ऐसी होती है या ऐसी बात होती है जो वीडियो के किसी जगह में भी आ सकती है, ये नहीं कि वो जानबूझ के पीछे रखी जाती है ताकि मुकम्मल वॉच करें। बस जहाँ पे वो बात फिट होनी होती है अल्लाह की तरफ से, वो वहाँ पे हो जाती है। आज देखो जी, आज हम बाइक भी चला रहे हैं, थले वेखो रोड़े की मैंने एक हथ मोटरसाइकिल भी चलानी है, वीडियो भी बनानी है मोबाइल के नाल, तुहाडे दोस्तों की मुहब्बत विच सारा कुछ करीदा। ये आप देख रहे हैं कि रोड काफ़ी मजबूत बना रहे हैं, मतलब कि ये मिट्टी और बजरी और बड़े बड़े बजर जो है वो डाल के ये तैयार किया जा रहा है। तो अभी को भी डक ना लाए और उन्होंने आखिरकार रोक लिया, ये रोक लिया। अब इनसे कोई बात करने के बाद आगे वीडियो फिर मैं बनानी शुरू की। बस ये थोड़ा सा एफिशिएंसी दिखाते हैं, ये जो मुलाजिम छोटे छोटे होते हैं ना हमारे लिए अफसर हैं, वो सारे छोटे मुलाजिम नहीं कहेंगे हमको, लेकिन ये इनके जो बॉस है जो इनके अफसर हैं उन्होंने मना किया होता है कि यार वीडियो नहीं बनवाने देंगे, तो मना करते हैं। तो आखिरकार हम आ गए मामे कॉलोनी फ्लाई ओवर जो बाकी रहते थे गार्डन उस जगह पर, ये चार गार्डन बाकी रह गए आप देख सकते हैं। थोड़ा दूर खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ ताकि रोका ना जाए या किसी किस्म की कोई परेशानी ना पैदा कर दी जाए मेरे लिए। और मैं भी आपको इसके दूसरी तरफ का भी व्यूज़ दूंगा और जहाँ तक मुमकिन हो सका मैं आपके साथ वीडियो को मुकम्मल शेयर करता जाऊँगा। बड़े हौसले के साथ, बड़ी हिम्मत और आप दोस्तों की मोहब्बतों को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाई जाती है भाई। जितनी सख्त सर्दी है और ऊपर से वीडियो ना बनाने की भी धमकियाँ या इजाज़त नहीं है, इसके बावजूद हम जितने भी आपके आपसे इमामिया कॉलोनी के हवाले से जो वीडियो शेयर की जाती है, वो मलिक सजाद भाई हों या बाबा जी तनवीर कक्का खेल हों या एनी थिंग कोई भी दोस्त हो भाई, हमारे वो सीनियर हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दी रखे। हर बंदे की अपनी अपनी कोशिश होती है, कोई अच्छा काम कर लेता है, कोई बहुत अच्छा काम कर जाता है, कोई मेरे तरह बस गुजारा ही करता है, ये बस मगरू लाऊंदा है। तो ये मामे कॉलोनी आज का जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर की जा रही है। अभी हम दूसरी तरफ चलते हैं जी। ये दूसरी तरफ जो है फाटक क्रॉस करने के बाद ये इसी साइड पे ये गुजरांवाले से ट्रैफिक आ रही है शाहदरे की तरफ और ये फ्लाईओवर का बाकी जो काम, ये चार गार्डर रह गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह गार्डरों का काम आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपसे ये वीडियो अपडेट जो कर रहा हूँ बहोश आवाज़ कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आज गार्डनों का काम इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो गार्डनों का काम आज या कल तक कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद ये दो तीन जगह जो है ना ये एन वाले जो गार्डन डाले हैं इनके लेंटर के काम शुरू हो रहा है और शटरिंग का काम शुरू हो रहा है, मतलब ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना और पीछे जो है ना वो आप देख दिखाऊंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा मैं अगली वीडियो में कि फ्लाईओवर के ऊपर सड़क का काम शुरू हुआ है कि नहीं, लोको मजरी वगैरह जो भी है वो डलनी शुरू हुई है कि नहीं, वो भी आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह अगर मुझे अल्लाह ने तौफीक दी या मुझे मौका मिल गया। तो ये मशीन आप देख रहे हैं वो काम कर रहे हैं,
इसी के साथ आप दोस्तों से इजाज़त भी चाहेंगे और जाते जाते आप दोस्तों से एक बात भी करता चलता हूँ। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उन दोस्तों से गुजारिश, उनसे मोहब्बत अपील है कि आप ख़ुद भी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा सा कमेंट भी दें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें या उनका मोबाइल पकड़ कर XYZ ETC 636 636 एक अपना सर्च करेंगे तो फर्स्ट में मेरा ही चैनल आएगा। इसको भाई जान आपने सब्सक्राइब भी करवाएं और दोस्तों से ये छोटा सा काम आपको मेरे लिए करने मेरे आपके लिए तो छोटा सा है लेकिन मेरे लिए हौसला अफजाई के साथ साथ बहुत बड़ा काम मेरे लिए। उम्मीद है कि आप दोस्त इंशाल्लाह मेरी ये बात अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और उनसे बताएंगे भी। आखिर में एक छोटी सी नात आपको सुनाता हूँ मैं। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।